सो ये गैस, ये है गैस स्टोव, यानी गैस एलपीजी गैस से चलने वाला चूल्हा। और गैस हम इसको चलाने के लिए नॉर्मली एलपीजी गैस का यूज करते हैं, लेकिन गैस आज मैं इस चूल्हे को पानी की मदद से चलाने वाला हूँ। लेकिन गैस अभी आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन गैस मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता हूँ, जो भी बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। सो गाइज, इस गैस स्टोव को पानी से चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक बोतल की, और मैं इसके ढक्कन को खोल लेता हूँ। और गाइज इस ढक्कन पर मैं इस आईवी किट को सेट कर लेता हूँ यहाँ पर छेद करके। और गाइज अब मैं इस बोतल में पानी भर देता हूँ। इतना पानी काफी होगा। और गाइस जब हम इस जो आईवी सेट का ये दूसरा वाला सिर है इसको इस चूल्हे पर यहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ से गैस चूल्हे के अंदर जाती है। सो गाइस जब हमारा पूरा सेटअप रेडी है, और गाइस जो ये गैस है इसके अंदर सिर्फ यहाँ से ही गैस जाएगी, इसके अलावा गाइस इस पर और कहीं से भी गैस इसके अंदर नहीं जाएगी। लेकिन गैस जो ये पानी है इससे तो हम डायरेक्ट इस गैस को नहीं चला सकते, इसके लिए हमें इसके अंदर इस चीज़ को डालना होगा। और गैस इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो गैस जैसे मैं इस चीज़ को इस पानी की बोतल के अंदर डालूंगा, वैसे ही ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा और गैस जिससे एक गैस निकलेगी, और गैस उसी गैस से हमारा ये चूल्हा चलेगा। सो गाइस जब इससे होते हुए गैस इस चूल्हे के अंदर जा रही है, सो गाइस चलिए अभी इस चूल्हे को चला करके देखते हैं कि ये चलता है या फिर नहीं। सो गाइस एक बार में तो हमारा गैस थोड़ा सा चला था, चले इसको एक बार और ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड गाइज, ये जो चूल्हा था वो चलाता था, लेकिन गाइज ये बहुत ही तेजी से चलाता, और गाइज अभी जो चूल्हा है ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। सो गाइज चलिए इसे एक बार और ट्राई करते हैं, इसे एक बार और चलाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस इस बार तो हमारा गैस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है।
लेकिन गाइस जिस वाली गैस से हमारा जो चूल्हा है वो पूरा काला पड़ चुका है। सो देख गाइस, आपने फाइनली मैंने इस चूल्हे को पानी की मदद से चला दिया। लेकिन गाइस आप इस तरह की चीज को घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि गाइस जो चूल्हा है अभी पूरी तरह से खराब हो चुका है। और गाइस मुझे नहीं लगता कि अब ये गैस से चलेगा, क्योंकि गाइस जो चूल्हा था जब मैंने इसको चलाया था तो इसका जो ये वाला पाइप था ये पूरा लाल हो चुका था। और गाइस जिस चूल्हे के जो ये वाले पार्ट्स होते हैं ये भी पूरे काले पड़ चुके हैं। और गाइस जिसके अंदर का हिस्सा भी पूरा काला पड़ चुका है। लेकिन गाइस जब हम इसको एलपीजी गैस से चलाते हैं तब वो इतना काला नहीं होता। और गाइस मैंने जो वो पत्थर उसके पानी के अंदर डाला था वो ये था। और गाइस ये कैल्शियम कार्बाइड, और गाइस ये पानी के साथ मिलकर के एक एसिटिलीन गैस बनाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है। और गाइस उस गैस का यूज गैस वेल्डिंग में किया जाता है, इसलिए गाइस जो गैस थी उसने हमारे इस चूल्हे को शायद खराब कर दिया। सो गाइस वीडियो चली गई हो तो एक लाइक जरूर से करना, और गाइस इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।